गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। प्रशासन द्वारा बाहुबली विधायक मुख्तार के करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसने का क्रम जारी है। इसी क्रम में गजल होटल की भूमि को कुट रचिता से मुख्तार की पत्नी और पुत्रों के नाम दर्ज कराने के मामले में पुलिस ने IS-191 मुख्तार अंसारी के गैंग को 2 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली पुलिस की माने तो नगर के खुदाईपुरा नखास निवासी जफर अब्बास और इसी मोहल्ले के सैयद सादिक हुसैन IS-191 मुख्तार अंसारी गैंग के करीबी हैं। इन दोनों ने गजल होटल की भूमि को कुट रचिता से गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी एवं पुत्र अब्बास अंसारी तथा उमर अंसारी के नाम दर्ज कराया था। इसी संबंध में दोनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दोनों नामजद अभियुक्त थे जो वांछित चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेवतीपुर गांव में आज शनिवार को जगदम्बा देवी स्मृति सेवा समिति के तत्वावधान में लगातार 26वें वर्ष भी ठंड से बचाव के लिए गरीब असहाय दिव्यांग मजलूम सहित अन्य 100 लोगों को समाजसेवी उषा राय ने निःशुल्क कंबल का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब असहायों की सेवा करना पुनीत कार्य है, इससे बड़ा कोई सामाजिक कर्तव्य नहीं है। इसी कार्य में सभी को बढ़ चढ़ कर भागीदारी करनी चाहिए। कहा कि लोगों को जब भी आवश्यकता होगी मैं हमेशा उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। सभी क्षमतावान और संपन्न व्यक्ति को गरीब असहाय दिव्यांगों की सहायता करनी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री ओम प्रकाश राय, दिनेश राय, कमला राय, अर्णव राय, बब्बन राय आदि मौजूद थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की फिट इंडिया मुहिम के अंतर्गत सेंट जॉन स्कूल तुलसीपुर की तरफ से शनिवार को प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। प्रभात फेरी निकाल प्रकाश नगर तक पहुंचने के बाद पुनः स्कूल वापस आकर प्रभात फेरी को समाप्त किया। प्रभात फेरी में शामिल बच्चे और शिक्षक बैनर पोस्टर लेकर चल रहे थे जिस पर स्वस्थ रहने का संदेश लिखा था। लोगों को जागरूक करने के लिए जो फिट है वही हिट है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का नारा लगाकर स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे थे। कार्यक्रम समापन पर प्रधानाचार्य फादर गुरुसंत राज ने बच्चों एवं शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। जनपद प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने शनिवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद उन्होंने बतौर मुख्य जनपद में नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में लगभग 50,000 से अधिक विद्यालयों को कायाकल्प योजना से आच्छादित किया जा चुका है तथा आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत युवा मस्तिष्क है एवं राष्ट्र के लिए शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने 17 बच्चों को स्वेटर का वितरण भी किया। आपको बता दें कि जनपद में कुल 876 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरा बाजार में सदर विधायक संगीता बलवंत, ब्लॉक संसाधन केंद्र सैदपुर में उप जिलाधिकारी जखनिया, ब्लॉक संसाधन केंद्र मोहम्मदाबाद में विधायक अलका राय और ब्लॉक संसाधन केंद्र जमनिया में विधायक सुनीता सिंह ने वितरण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी एमपी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय की इकाई द्वारा शनिवार को ऐतिहासिक स्थल पर बने स्मारक की सफाई एवं श्रमदान कार्यक्रम के तहत स्वामी सहजानंद सरस्वती मंदिर में साफ सफाई की गई। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में कैडेटों को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रविन्द्रनाथ राय ने कहा कि स्वामी जी के व्यक्तित्व में वाणी और कर्म का समन्वय मिलता है, उनसे प्रेरणा लेकर उनके गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस मौके पर समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश नारायण राय, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय राय, राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार अनंग, एनसीसी अधिकारी डॉक्टर विलोक सिंह, डॉक्टर रामधारी, डॉक्टर शिल्पी सिंह, निवेदिता सिंह, डॉक्टर विशाल सिंह, आशीष राय, प्रेम गुप्ता, आशीषा एवं एनसीसी के समस्त कैडेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया गया। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।